हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सूजी का चीला। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक कप बारीक वाली सूजी ली है। ये वेट में 120 ग्राम है, तो आप कोई भी सूजी ले सकते हैं। अब हम इसमें हाफ कप दही डालेंगे, तो ये 100 ग्राम है। ये घर का जमा एकदम फ्रेश दही है। अगर खट्टा दही हो तो आप थोड़ा सा कम डालें। अब हम इसमें एक कप पानी डाल देंगे। सूजी की क्वालिटी के हिसाब से पानी जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम ज़्यादा लग सकता है, तो हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे सूजी जो है अच्छे से फूल जाएगी। अगर टाइम आपके पास कम है तो आप सिर्फ 10 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसे रखे हुए 20 से 25 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सूजी जो है अच्छे से फूल गई और बटर काफ़ी गाढ़ा हो गया। इसमें अभी पानी थोड़ा सा और पड़ेगा। उसके पहले हम इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक। तो बटर को हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, इसलिए हम कम से कम इसे हाफ मिनट इस प्रकार से फेंट लेंगे। तो आप देख सकते हैं बटर हमारा बढ़िया स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे एक छोटे साइज की बारीक कटी हुई गाजर और एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज और छोटे साइज का शिमला मिर्च लिया था, तो हाफ मैंने शिमला मिर्च डाला है। और एक छोटा सा टमाटर मैंने बारीक कट कर लिया, हाफ इंच ग्रेट की हुई अदरक और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक बड़ा चम्मच कटी हुई धनिया पत्ती और आधा छोटा चम्मच हम इसमें जीरा डाल देंगे और सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, अपनी पसंद की आप इसमें कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। आप चाहे तो इनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बैटर जो है ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा रखना है, मीडियम का रखना है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये बैटर जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम चीला बनाते हैं। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, उसे हल्का सा हीट कर लेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर बैटर डालेंगे। अगर आपको छोटे साइज़ का चीला बनाना है तो बैटर आप कम डालें, अगर बड़े साइज़ का थोड़ा बना रहे हैं तो आप बैटर थोड़ा सा ज़्यादा डालें। आप क्योंकि इसमें मैंने सब्जियाँ डाली हैं इतनी सारी, तो ये बहुत अच्छे से गोल नहीं होता, तो इसे हमें चम्मच की मदद से इस प्रकार से गोल करना है और इसे हम इसी प्रकार से पकने देंगे। फ्लेम को हमें लो टू मीडियम रखना है। 1.5 मिनट के बाद आप देखेंगे चीला आपका इस प्रकार का हो जाएगा। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे हम पलट देंगे, यानी इसे हमें दूसरे साइड भी इसी तरह से पकाना है। अगर चीला आपका थोड़ा सा मोटा होगा तो टाइम जो है इसे पकने में ज़्यादा लगेगा। तो दूसरे साइड से भी मैंने इसे 1 मिनट पका लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, चीला हमारा तैयार है। तो एक चीला पकने में 2.5 से 3 मिनट लग जाते हैं। अगर चीला मोटा है तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसी प्रकार से हम सारे चीले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इतने बैटर में 6 चीले हमारे बनकर तैयार होंगे। आप इन्हें अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं। ये जो सूजी के चीले हैं मूंगफली की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, इन चीलों को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव हमसे शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।